नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष शर्मा है। मैं अमृतसर पंजाब में फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में किडनी का स्पेशलिस्ट हूँ और किडनी ट्रांसप्लांट का स्पेशलिस्ट हूँ। यहाँ पर किडनी की बीमारी को ज़्यादातर शुगर या बीपी से जोड़ा जाता है। हम ये मान के चलते हैं कि अगर किसी का गुर्दा खराब हो रहा है तो शुगर या बीपी की वजह से होगा। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि शुगर या बीपी गुर्दे की खराबी के बीमारियों में खाली 30% का हिस्सा रखते हैं। हालांकि 30% बहुत बड़ा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बाकी 70% में बहुत सी ऐसी हजारों बीमारियां हैं जो एक आम आदमी को पता भी नहीं, जिसे हम नॉन डायबिटिक या नॉन हाइपरटेंसिव रीनल डिजीज कहते हैं। मतलब ऐसी गुर्दे की बीमारियाँ जो कि शुगर या बीपी की वजह से नहीं। इनमें एक बात भी, जो कॉमन बीमारियाँ जो इनके बिना होती हैं, उनके मेन कारण होते हैं गुर्दे की पथरियाँ या पथरी की वजह से गुर्दे में रिपास। फिर होता है ओवर द काउंटर मेडिसिन। जैसे आज के ज़माने में हम बहुत सारे टाइम पर कुछ दिक्कत होती है तो सीधे मेडिकल स्टोर से जाके दवाई ले लेते हैं। आमतौर पर ली हुई दवाइयाँ जैसे कॉम्बिफ्लेम, वोवरॉन या कुछ तरीके के एंटीबायोटिक और पेन किलर ऐसे होते हैं जो गुर्दे के लिए जहर का काम करते हैं। और बचे हुए 70% में से तकरीबन 20% केस ऐसे आते हैं जिनके कि गुर्दे पेन किलर यानी कि दर्द की दवाइयों की वजह से खराब हो रहे हैं। खासतौर ऐसी पॉपुलेशन होती है जो कि हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, जो गोडों के दर्दों के लिए या हड्डियों के दर्दों के लिए बहुत ही रेगुलरली दर्द की दवाइयाँ लेते हैं। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट क्लास आता है गुर्दे की दवाइयों का, जिसमें कि गुर्दे की छलियाँ खराब होती हैं लेकिन शुगर की वजह से नहीं, अपने अंदर की बीमारी की वजह से। मेरे पास इस तरह की बीमारियों में सबसे छोटा मरीज है 2.5 साल की बच्ची और सबसे बड़ा मरीज है 90 साल की बुजुर्ग। इन बीमारियों में नॉर्मल एज पे बीपी का बढ़ना, पेशाब में प्रोटीन यानी चर्बी का पास होना, पैरों में सूजन आना, सुबह सो के उठते हैं तो आंखों के चारों तरफ सूजन आना, ये बीमारी किसी भी उम्र में किसी भी को भी कभी भी हो सकती है। और इसमें बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है यानी कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये बीमारियों को पहचानना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारियाँ उचित उपचार से यानी कि करेक्ट ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो सकती है। अगर ना किया जाए तो जैसे कि शुगर या बीपी को एक गुर्दा खराब करने में लगते हैं 20 से 25 साल, लेकिन इस तरह की बीमारियाँ आपके गुर्दे को कुछ महीनों में या सालों में ही खराब कर सकती हैं। लेकिन इसको पहचानने के लिए एक गुर्दे के विशेषज्ञ से मिलना बहुत आवश्यक है। अब हम जाते हैं डायलिसिस पे। हमारे सोसाइटी में डायलिसिस को शुरू कराना बड़ा बुखा काम माना जाता है, बड़ा बुरा माना जाता है। जैसे मेरे पास कोई भी मरीज आता है, जब मैं उसको डायलिसिस के लिए बोलता हूँ तो सबसे पहला जवाब होता है कि डायलिसिस से तो मरीज कमज़ोर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। डायलिसिस से कोई मरीज को कोई कमजोरी नहीं आती। डायलिसिस कोई वही करती है जो हमारा आम गुर्दा करता है। डायलिसिस से जो मरीज कमज़ोर तब होता है जब हम टाइम पे करेक्ट और ठीक डायलिसिस नहीं कराते। कायदे से हफ्ते में 3 बार रेगुलर डायलिसिस होनी चाहिए। अगर हम उससे कम कराते हैं, और जितनी कम कराएंगे उतनी ही दिक्कत पड़ेगी। तो सबसे पहला सुझाव यह है कि जो लोग डायलिसिस करा रहे हैं रेगुलर, उनको हफ्ते में कम से कम 2 नहीं तो 3 डायलिसिस करानी चाहिए, तभी वो एक अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन कर पाएंगे। नंबर 2, सबका ये पहला सवाल होता है कि डायलिसिस एक बार शुरू हो जाए तो बंद नहीं होता। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं महीने में तकरीबन 1000 डायलिसिस करता हूँ, उसमें से कम 1/4 ऐसी होती हैं जिनको किसी और प्रॉब्लम की वजह से गुर्दे में खराबी आ जाती है। जैसे डेंगू होता है, डेंगू बहुत सीवियर हो जाता है, शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है, बीपी गिर जाता है, तो गुर्दे पे टेम्परेरी खराबी आ जाती है। तो मेरा ये बताना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि अगर एक बार डायलिसिस हो जाए तो वो बंद नहीं होता। डायलिसिस सिर्फ एक गुर्दे का सपोर्ट है, वो रेगुलर भी हो सकता है तो टेम्पोरेरी भी हो सकता है। आपकी किडनी खराब होने के बाद या डायलिसिस होने पे भी ठीक की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बार डायलिसिस शुरू हो जाए तो बंद नहीं हो सकता। और सबसे अंत में
गुर्दे की खराब यानी कि ऐसा गुर्दा जो कि पूरी तरह से खराब हो चुका है, ऐसे मरीज के लिए जो आज की तारीख में सबसे अच्छा इलाज है वो है गुर्दे का ट्रांसप्लांट। आज की तारीख में गुर्दे के ट्रांसप्लांट के लिए बहुत ही उम्दा और अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ अब उपलब्ध हो चुकी हैं। ऐसी दवाइयाँ, पुराने ज़माने में गुर्दा ट्रांसप्लांट करने के बाद जो सबसे बड़ा रिस्क होता था वो होता था गुर्दा का रिजेक्ट होना। इसके अंदर गुर्दा लगाया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है, उसकी बॉडी किडनी को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन आज की मॉडर्न मेडिसिन में जो बहुत ही अच्छी लेवल की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसकी वजह से ये रिजेक्शन का रेट बहुत कम हो गया है। अभी भी है लेकिन उतना नहीं जितना पहले होता, और रिस्क दुनिया में किसी भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें रिस्क नहीं होता। ट्रांसप्लांट बहुत अच्छी चीज़ है, अपने घर में से परिवार में से कोई भी गुर्दा दे सकता है और उसका सक्सेस रेट अच्छा होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देख के लोग कुछ सीखें। अगर उनके कुछ सवाल हैं तो इस वीडियो के एंड में मेरा पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फ़ोन नंबर होगा, जिसमें कि मेरे ईमेल आईडी भी होगी। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम आपस में बात कर सकते हैं और आपकी परेशानियों की और बीमारी का इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।